खरगोन जिले के सनावद में स्थित अवंती सूत मिल की संपत्तियों की नीलामी रुकवाने के लिए गुरुवार को विधायक सचिन बिल्ला, कांग्रेस नेताओं और मिल वर्कर सोसाइटियों के सदस्यों को मिलकर परिसर में 3 घंटे तक धरना दिया और नीलामी प्रक्रिया को रोकने के भरकस प्रयास भी किए। इस दौरान नीलामी प्रक्रिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बिल्ला ने कहा कि इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे और नीलामी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। नीलामीकर्ता जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों में चर्चा की और नीलामी प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की है। बैंक अधिकारियों को बताया गया कि बैंक द्वारा मिल वर्कर सोसाइटियों को ऋण मिल की अचल संपत्तियों के आधार पर दिया गया था। बड़वा से संवाददाता की रिपोर्ट। आज पूरे जिले के लिए काला दिन है। हमारी सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी संपत्ति है, एक औद्योगिक इकाई सूत मिल आज बिकने जा रही है। उसका पहला चरण बैंक के अधिकारियों की साठगांठ, नेताओं की साठगांठ, सूत मिल की वर्कर समिति की साठगांठ के माध्यम से होने जा रही है और पहले चरण में दुकानें आज बिक रही हैं। उसकी निविदा लग गई, टेंडर भी ओपन होने वाले हैं। बहुत आग्रह किया, जमीन पर भी बैठे, 3 घंटे धूप भी खाई, बहुत आवेदन निवेदन प्रशासन से किया, लेकिन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आज मैं समझता हूँ शहर के लिए और पूरे खरगोन जिले के लिए काला दिन है और बड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि आज हमारी बात को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। और वर्कर सोसाइटी, जो पैसा वर्कर सोसाइटी ने लिया है, उस पैसे को सरकारी संपत्ति बेचकर चुकाने का यह, मैं समझता हूँ, प्रदेश में पहला निर्णय होने जा रहा है। भैया, इसमें आप आगामी दिनों में क्या करेंगे इसको रोकने? हम लोग कल कलेक्टर महोदय से मिलने जा रहे हैं, उनको सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। फोन पर बात हुई थी लेकिन उनको सही जानकारी के अभाव में आज टेंडर ओपन हो चुके हैं, दुकानें नीलाम हो चुकी हैं और जिन लोगों ने दुकानें ली, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि मजदूरों के खून पसीने से सिंची हुई इस भूमि को आप लोग इस तरह बहुत ही पौने पौने दामों में नहीं खरीद सकते। उनसे आग्रह करके उनको छुड़ाने का काम करेंगे और ये पूरी जमीन 53 एकड़ है और 150 से 200 करोड़ रुपए का पूरा बड़ा घपला, बड़ा घोटाला ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होने जा रहा है, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इसमें आगामी क्या करेंगे आप? हम लोग इसको पूरी प्रक्रिया को रोकने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और हम लोग आज कल कलेक्टर मैडम से भी मिलेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है, लंबी लड़ाई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।